आज शाह ऑडिटोरियम में तमाम जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनका यहाँ प्रोग्राम रखा गया, और मैं बता दूं आपको कि जो सोशल आइकन्स भी हैं उनका भी प्रोग्राम रखा गया। आपको पहले भी मैंने एमी से रूबरू कराया था और आज भी हमारे साथ एमी मौजूद हैं। तो एमी, यहाँ पर आज जो प्रोग्राम किया गया ट्रांसजेंडर्स के लिए, तो तमाम लोग, अभी मैंने और भी इंटरव्यूज़ किए तो बोलते हैं कि जो ट्रांसजेंडर्स के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है, आगे बढ़ाया जा रहा है, उनको इस अहदे पे पहुंचाया जा रहा है, तो आप इससे इत्तेफाक रखती हैं क्या? बिल्कुल, देखिए होता है क्या पूजा जी, मुझे काफ़ी गर्व महसूस हो रहा है कि आपके साथ मेरा दूसरी बार मेरा इंटरव्यू हो रहा है, तो मुझे काफ़ी खुशी हो रही है। लेकिन हाँ, ये मैं मानती हूँ कि जैसे कि समाज हमारा कहते आगे आगे जमाने के हिसाब से लोग बदल रहे हैं तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन बट फिर भी जैसे देखा जाए तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी चीज़ें तो रही जाती हैं समाज के लिए अधूरी। अच्छा, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आज यहाँ प्रोग्राम था, आप लोगों को जो व्हीलचेयर्स पे आप ट्रांसजेंडर्स थे, एक तो सबसे बड़ी चैलेंज की बात है आपके लिए कि एक तो ट्रांसजेंडर, ऊपर से आप जो है फिजिकल चैलेंज हैं, तो आप लोगों ने यहाँ पर अभी जो है एक सॉन्ग बजा था जलवा, तो आप लोगों का फैशन शो हुआ था, तो वो कैसा रहा, क्या कुछ था यहाँ पर, आज ये बताइए। देखिए, इस चीज़ में मैं जैसे कि इससे पहले भी मैंने बहुत सारे इवेंट किए हैं, मैं काफ़ी खुश रही हूँ, और आज का जो इवेंट था, इन्होंने जो फैशन का जलवा जो सॉन्ग बजाया था, मुझे नहीं लगता है कि एक क्या कहते वो सॉन्ग क्या कहते बजाना चाहिए था, वे फिजिकली चैलेंज को लेके इनको कोई देशभक्ति का सॉन्ग चलाना चाहिए था ताकि क्या कहते लोगों के बीच में वो सारी चीज़ें पॉजिटिव रहती, लेकिन इन्होंने क्या किया, फिजिकली चैलेंज जो थे उनको भी कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, जो कि नहीं होना चाहिए था। जब हमारे देश के लोगों की ही इतनी हीन भावना है कि क्या कहते हैं फिजिकली चैलेंज को भी आप कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हो, तो समाज में लोग तो कैटेगरी डिवाइड कर ही देंगे। किस तरीके की कैटेगरी, जैसे इन्होंने क्या, जैसे फिजिकली चैलेंज में भी कई तरीके के लोग थे कि जैसे कि जो लोग मतलब नॉर्मल वॉक कर सकते थे, जिनके किसी का एक पैर पैरालाइज था, किसी के हाथ में प्रॉब्लम थी, उन लोगों को स्टैंडिंग के लिए अलग कर दिया, जो व्हीलचेयर वाले थे वो लोग उन लोगों को अलग कर दिया। तो इनसे मैंने इस चीज़ के लिए बोला भी कि कहते कि ऐसा नहीं होना चाहिए था कि आप लोगों ने ही मानसिकता ऐसी बना ली है कि फिजिकली चैलेंज को आप डिवाइड कर रहे हैं, तो हमने कहा समाज हमें डिवाइड तो ऑलरेडी करेगा ही करेगा, तो हमने कहा समाज कहाँ से एक्सेप्ट करेगा। समाज तो वैसे ही आप लोगों को अलग नज़रिए से देखता है, एक तो ट्रांसजेंडर प्लस आप फिजिकल चैलेंज, तो यहाँ पर भी मतलब इस तरीके का आप लोगों के साथ हो रहा है कि मतलब कैटेगरीज कर दी जा रही हैं, जो मतलब जबकि बोला जाता है फिजिकल चैलेंज तो फिजिकल चैलेंज ही होता है, चाहे वो उसके प्रॉब्लम एक हाथ में हो, पैर में हो, किसी में भी हो, तो बिल्कुल यहां पर भी बिल्कुल भी यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है। यहाँ पे देखिए एक ये पब्लिसिटी स्टंट पाने के लिए क्या कहते हैं ये अपने प्रोग्राम को करते हैं, और कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है कि कहते हैं इनको बस इनको सिर्फ एक समाज को दिखाना है कि हमने इनके लिए काम किया है, लेकिन जिस बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ट्रांसजेंडर हैं जो नहीं बोलते हैं क्योंकि उनको लगता है कि हमें ये काम दोबारा से नहीं मिलेगा, इनके या इनके इवेंट में आने को नहीं मिलेगा, लेकिन हमारे अंदर ऐसा नहीं है, हमारे अंदर काबिलियत है तो हमें इवेंट बहुत सारे मिलेंगे। लेकिन मैं दिल खोल के बोलती हूँ, आज मुझे फील हुआ है तो मैंने ये चीज़ को बोला है कि यहाँ पे इन्होंने कैटेगरी को भी डिवाइड किया है। अभी आप यहाँ पे बता रही हैं इस तरीके का प्रोग्राम, तो ये लोग जो हैं, बाकी तो लोग यहाँ पे अभी मैंने इंटरव्यू किया काफ़ी अच्छा बता रहे हैं, तो आपको इस तरीके का डर नहीं है कि ये लोग आप लोगों से खफा होंगे, बोलेंगे आप लोगों को अलग कर देंगे? नहीं पूजा जी, देखिए हमें तो कोई डर नहीं है क्योंकि देखिए जिसके अंदर हिम्मत होती, साहस होता है, उसको किस चीज़ से डरना है, और हमारे अंदर इतनी काबिलियत है कि हमें प्रोग्राम कोई ना कोई मिलता ही रहता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जिन लोगों ने बोला है हो सकता है उनका माइट भी फर्स्ट परफॉर्मेंस हो यहाँ पे, उन्होंने कभी स्टेज देखे ना हो या प्लेटफॉर्म देखे ना हो, मिला ना हो, तो इसलिए उन्होंने तारीफ़ की होगी, और हमें तो शुरू से बचपन से ही मिलते आए हैं, तो हमें तो तारीफ़ करने का कोई वही नहीं बनता है। प्लेटफॉर्म से थोड़ा सा बताएं कि आपको किस किस तरीके के प्लेटफॉर्म्स मिले हैं, और पहली ट्रांसजेंडर मैं तो इतनी स्मार्ट देख रही हूँ और इतनी हॉट देख रही हूँ कि मैं ही जब इतनी तारीफ कर रही हूँ तो और जो हमारे दर्शक देख रहे होंगे तो वो भी तारीफ करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट पूजा। होता है क्या है कि देखिए प्लेटफॉर्म जो है, मैंने मेरे पैरों में जो प्रॉब्लम है ये मेरे काफ़ी टाइम से है, बचपन से मतलब एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन उसके बाद में मैंने अपने सिटी लेवल कानपुर हमारा शहर है जहाँ पे मैंने अपने सिटी लेवल पे बहुत सारे परफॉर्मेंस दिए हैं, जैसे कि DID का ऑडिशन दिया है, बूगी बूगी का भी दिया है, और स्टेज शो मैंने बहुत किए हैं जो सिटी लेवल पे होते हैं, तो वहाँ पे क्या कहते हैं किसी टाइम पे मैंने किए हैं, लेकिन वो मतलब प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया कि एक होता ना कि थिएटर इंडस्ट्री में लोग हाथ पैर वाले भी लोगों को कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, तो वो सारी चीज़ें थी, तो मैंने सोचा कि जॉब ही कर लिया जाए, तो ऐसे देखा जाए तो बहुत सारे परफॉर्मेंस मैंने दिए हैं, आगरा की मैं रिवाज संस्था की शो स्टॉपर हूँ, तो वहाँ पे भी मैंने काम किया, और मैंने रियलिटी शो में भी भाग लिया था,
जो कि उस पर 9XM जलवा पे आता है, लव एंड वॉर, उसमें भी मैं सिलेक्ट थी और उसके लिए मैंने डांस के लिए भी ऑडिशन दिया था, उसमें भी सिलेक्ट थी। लेकिन ये प्लेटफॉर्म देते जो हैं इनका भी कहीं ना कहीं फाइनेंशियल बीच में पैसे का लेके थोड़ा सा आ जाता है। तो जैसे कभी कुछ लोग बोलते हैं कि हमें आप पैसे दो तो हम आपको आगे बढ़ाएंगे, तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर आप किसी को प्लेटफॉर्म दे रहे हो तो पैसे का बीच में मामला नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर इंसानियत, अगर आप इतने ही अगर किसी को बढ़ावा दे रहे तो पैसे क्यों मांगते हैं। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रही थी कि आप फिजिकल चैलेंज है और इस तरीके का ट्रांसजेंडर भी है, तो दोहरी मानसिकता के जो लोग हैं आपको अलग नज़रिए से देखते हैं और इतने प्लेटफॉर्म्स आपने जो है हासिल किए हैं, पहली मैं ऐसे शायद ऐसे देख रही हूँ, और पढ़ाई लिखाई में भी आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या आप बदलाव की ओर हैं? बिल्कुल, देखिए जैसे कि होता क्या है कि सोसाइटी के ऊपर भी डिपेंड करता है और पेरेंट्स के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हमारी कम्युनिटी में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनको पढ़ना नहीं होता है। हैं आज के टाइम में आप देख लीजिए, बहुत सारे ट्रांसजेंडर हैं जिन्होंने MSc किया होता है, जिन लोगों ने MBBS भी किया होता है, लेकिन बट वो जॉब में कम्फर्टेबल नहीं होते हैं क्योंकि उनका पढ़ाई लिखाई का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि हम सोर्स ऑफ इनकम, प्रोस्टिट्यूशन का काम एक ईजी वे है तो हम वहाँ से अर्न कर सकते हैं, हमें 10 घंटे की या 12 घंटे की कहीं नौकरी करनी पड़ेगी तो वहाँ से हम कैसे, मतलब पूरा टाइम देना पड़ेगा, तो 1 घंटे में जहाँ अर्निंग होगी। तो समाज चेंज हो रहा है, लेकिन हमारी कम्युनिटी में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुछ लोग तो मतलब प्रोस्टिट्यूशन का काम करते हैं, कोई कुछ लोग तो रेड लाइट पे खड़े होके मतलब मांगते हैं, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं अगर ना दो तो ट्रेन वगैरह में कहते हैं, जबरदस्ती छीना झपटी करते हैं, थप्पड़े भी मार देते हैं, गाली गलौज भी करते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। मैं आपको देख रही हूँ कि आप एक तो टू टाइप की प्रॉब्लम से जो है झेल रही हैं, एक तो ट्रांसजेंडर हैं प्लस फिजिकल चैलेंज है, लेकिन आपके चेहरे पर एक शिकन तक मैं नहीं देखती हूँ, आप हमेशा इतनी मुस्कुराहट के साथ हमेशा रहती हैं, हंसती रहती हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है कि ऐसे समाज में आप इस तरीके की मुस्कुराहट को लेकर चल रही हैं। और तमाम लोग जो आप देखे होंगे फिजिकल चैलेंज होते हैं, उनके लिए एक मैसेज क्या देना चाहेंगे? देखिए फिजिकली चैलेंज को मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि देखिए हमारे समाज में क्या कहते हैं, पहले तो हीन भावना को हम अपनी मानसिकता को चेंज करें, कि जैसे कि यहाँ पे भी इन लोगों ने हमें क्या कहते हैं पहले नहीं बताया था कि आपका अलग अलग होगा है, लेकिन अब फिजिकली चैलेंज है तो अब उनको भी आपने कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, तो पहले हमारी जो भारतीय सोच है उसी को हमें चेंज करना पड़ेगा, वरना तो सोसाइटी में फिजिकली चैलेंज क्या ट्रांसजेंडर कोई भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो आप मानती हैं कि समाज में जो इस तरीके के लोग हैं यही जो है बदलाव कर सकते हैं और नहीं तो पीछे भी लाते हैं? होता है क्या पूजा जी, जो हमारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर होते हैं ना उनकी ही मेंटेलिटी इतनी घटिया होती है ना कि वो आगे दूसरों को सपोर्ट क्या करेंगे, उनको तो एक पब्लिसिटी चाहिए होता है, उनको तो एक चैरिटी चाहिए होती, कहीं से भी जाके किसी भी बड़े VIP लोग को पकड़ लिया, चैरिटी ले ली और उन जहाँ पे मान लो 15 लाख का बजट मिला, 1 लाख रुपए खर्च कर दिए कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने 15 लाख का पूरा बजट दिखा दिया। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो क्या कहते हैं ये पब्लिसिटी पाना चाहते हैं हम लोगों के जरिए, एक ट्रांसजेंडर और फिजिकली चैलेंज के जरिए इनको पब्लिसिटी मिलनी चाहिए। वो आप लोगों को भी मतलब इस तरीके से ठगा जा रहा है इन लोगों के द्वारा, मतलब इसमें भी राजनीति हो रही है? बिल्कुल राजनीति है इसमें, पूरी राजनीति है इसमें। क्या कहते हैं देखिए अभी यहाँ पे मैंने अभी यहाँ पे जैसे कि देखा जाए जो ऑर्गेनाइजर है अनु झा, जिससे मैंने बोला कि आपने तो बोला था ट्रॉफी मिलेगा, तो कहते कि यहाँ पे किसी को ट्रॉफी नहीं मिलेगा लेकिन मैं तुम्हें पर्सनली दे दूंगी ट्रॉफी, तो ये अनफेयर था जो कि नहीं होना चाहिए था ऐसा, जबकि सबके सामने ट्रॉफी तो वैसे ही देना चाहिए। आप तो पहले ही इतना कुछ कर रही हैं और इतना कामयाब हैं, इतने प्लेटफॉर्म्स मिल चुके हैं आपको, तो वही सारी चीजें हैं। देखिए जब इन लोगों की इतनी मानसिकता हीन भावना भरी हुई है, इतनी गंद भरी हुई है, तो हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, जलवे पे मैं थोड़ा सा आपसे पूछना चाहूंगी, जो आपका जलवा था ना, मतलब आपने जो डांस किया अंदर, मतलब मानना पड़ेगा आपको, और बाकी तो सारे व्हील चेयर पे बैठे रहे, आप तो जो है आगे आकर के डांस भी किया। ये पूजा जी होता क्या है कि होता है ना कि अपने अंदर अगर कॉन्फिडेंस इंसान है ना तो वो कुछ भी कर सकता है, तो इसके लिए कॉन्फिडेंस जरूरी होता है। और जैसे कि मैंने ड्रेसअप किया हुआ है तो आपको भी पता है बहुत ज़्यादा बोल्ड किया है, इन लोगों ने मेरे को, जो ऑर्गेनाइजर है उन्हीं ने मेरे को बोला कि हम NGO वाले लोग बुरा मान जाएंगे, मैंने बोला नहीं क्यों बुरा मान जाएंगे, हमारी पर्सनालिटी है, हमारा शरीर है, मैं कुछ भी पहन सकती हूँ। आपको अगर ऐसा था तो आप पहले बोलते कि आपको कपड़ों का भी प्रावधान करना पड़ेगा कि ऐसे ऐसे कपड़े पहनने पड़ेंगे, मतलब यहाँ पर भी कपड़ों को लेकर बात हो, इन्होंने बिल्कुल भी बोला है, मुझे तो बोला है कि आपको ये ढकना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, मैंने बोला मैं नहीं करूँगी, हमने कहा मैं तो अपने घर जा रही हूँ, फिर उन्होंने बोला कि नहीं चल कोई नहीं तू यहाँ पे रुक मैं तेरे को करती हूँ। अच्छा, तो मतलब ये मानसिकता मतलब समाज की ऐसी बन चुकी है कि कोई भी बोल्ड, क्योंकि नजरों से होता है कि आप किस नजरिए से देख रहे हैं, कपड़ा पहनने नजरिया ही इतना छोटा है ना, तो ये आगे बढ़ाएंगे कैसे लोगों को। हाँ। बस इनको तो पब्लिसिटी चाहिए। तो
एक आखिरी मैसेज देना चाहेंगी कुछ कि जो ट्रांसजेंडर है और सबसे पहले जो फिजिकल चैलेंज थे? देखिए, फिजिकली चैलेंज को मैं यही कहना चाहूंगी कि जो भी फिजिकली चैलेंज है, चाहे वो स्पेशली ईगल राइडर के ऑर्गेनाइजर क्यों ना हो, कोई भी फिजिकली चैलेंज है, आप कैटेगरी को डिवाइड करना बंद करें। और कोई भी ट्रांसजेंडर है या कोई भी हमारे मतलब कम्युनिटी के थ्रू अगर कोई है, तो उसके लिए भी मैं ये बोलना चाहूंगी कि ऐसे प्रोग्राम हम कम्युनिटी के लोग भी मिलकर कर सकते हैं, अगर करना चाहें तो। लेकिन इनके बहकावे में ना आके, क्योंकि हमें कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, सिर्फ एक पब्लिसिटी के लिए इनको समाज में दिखाना होता है। भैया, जिससे पैसा लिया है उसको तो दिखाना पड़ेगा कि हमने इतना कॉस्ट लिया है, तो हमें इतना इस्तेमाल किया जा रहा है। बिल्कुल परफेक्ट। बहुत बहुत शुक्रिया एमी जी। तो हमारे साथ एमी थी, तो इन्होंने जो आज बात की है, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का इन लोगों को भी झेलना पड़ता है। यहाँ पर पब्लिक सिटी जो पाने के लिए यहाँ पर प्रोग्राम किया गया, तमाम लोगों से अभी जो आज मैंने इंटरव्यू किया, तो उन्होंने जैसा कि बताया प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा, ये सब रहा, लेकिन इन्होंने आज हकीकत से परे जो बात की है वो वाकई में मानने वाली है कि फिजिकल चैलेंज लोगों की भी क्या कैटेगरी हो सकती है, आप भी सोच के देखिए। तो इसी के साथ देखते रहिए जनित आवाज़, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में, पूजा, सिविल लाइंस, दिल्ली।